हेलो फ्रेंड्स, पीछे हमने सीरीज वन किया था, आज हम सीरीज टू करेंगे। और सीरीज को करने का पर्पस ये हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है और हम वन बाय वन आज 10 क्वेश्चंस करेंगे और जानते हैं कैसे, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पॉइंट 4 10 160 1440-5760। अब हमें कभी भी सीरीज को देखकर कि बड़े अक्षर बड़े लेवल पे चली गई है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम जहां से उसको पकड़ सकते हैं वहीं से पकड़े। देखिए, 0.4 और 10 कितना होगा? इनटू 25। और अगर इसको देखें इनटू 16, इसको देखें तो इनटू 9, 16 9 7 44 होता है। अब 525 है, अगर हम इसकी बात करें तो 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। कभी भी हमें 25, 16, 9 दिखे तो मैक्सिमम टाइम वो स्क्वायर्स चल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? अगला 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला इनटू 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना जाएगा? 5760। और आगे अगर हम करते हैं, हमारे पास 1 का स्क्वायर यानी कितना जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो अब एग्जाम में कई बार इसको इस तरह से दे दिया जाता है, यहां पर आपको कुछ और लिख के दे दिया जाएगा, और रॉन्ग सीरीज में भी ये पूछा जाता है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। जहां से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं वहीं से कोशिश करें। चलिए अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 2 × 2 = 4 × 4 × 8, हर बार क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, इंटू 16। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या जाएगा? इनटू 1 आना चाहिए क्योंकि हर बार डबल हो रहा है, तो 2। तो जहां से भी आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं वहीं से पकड़िए। कोई जरूरत नहीं है आपको कि स्टार्टिंग से करना है, एंड से करना है, जहां से आपको क्वेश्चन पकड़ में आता है वहीं से पकड़िए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसकी डिफरेंस लग रहा है हमें, देखते हैं जरा कितना गैप होगा। -8.4 क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगले उसमें बढ़ रहा है हमारे पास, तो अगर हम इसको देखें तो क्या है हमारे पास? प्लस कितना हो रहा है बताइए जरा? 6.3। अगर आगे की बात करें तो क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस कितना आ जाएगा? 4.2 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे। अब यहां देखिए, -8.4 +6.3 -4.2, अब नेचुरल सी बात है यहां पर क्या आएगा? आएगा 2.1, क्योंकि 21 के टेबल से अगर देखें 21:2 इस 21 3 21 4, तो अब यहां पे अगर माइनस आया तो यहां प्लस आएगा। अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2.1 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 16। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत बार कर चुके हैं, और जैसा कि लग ही रहा है हमें, कभी भी 10, 22, 46 इस तरह से आ जाए तो क्या आएगा हमारे पास? इनटू टू प्लस टू। 46 इस टू टू क्या होता है? 92 प्लस 2 94। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, जरा लगाइए दिमाग थोड़ा सा, देखिए क्या आएगा? +32। कैसे हुआ? 197 प्लस 3 क्या होता है? 203, और यहां 29 और ऐड किया तो 32 का डिफरेंस हो गया हमारे पास। अगला नेक्स्ट, 29 और 45 में 16, तो +16 ऐड हो रहा है ना, +16। फिर आगे कितना ऐड हो रहा है? +8 ऐड हो रहा है। और अगर हम आगे की बात करेंगे, आपको खुद पता है कि हाफ हाफ हो रहा है, 32 16 8 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 257, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, सिक्स क्वेश्चन से। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए और देखिए कि क्या होगा। अगर हम इसको देखें, इनटू 2 चल रहा है और यहां पर पता नहीं, यहां पर 8 और 12 के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? इनटू 1.5 डेढ़ से, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 1.5 कितना होता है? 12, यानी 1.5 आया, 2 आया। अगर यहां पर 2.5 करते हैं तो 24 × 2.5 क्या होगा? 60, बहुत बढ़िया। और 60 × 3 करते हैं 180, बन गई बात हमारी, × 3.5। और अगर रॉन्ग
65 लिख के दे दिया, 62 लिख के दे दिया, कुछ भी लिख के दे दिया, मान लीजिए। तो अब क्या है, हमने देखा पहले 1.5 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, यहां आते ही हमारी गड़बड़ शुरू हो गई क्योंकि 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहां पर 60 आ रहा था, वो 65 अगर लिखा होता तो रॉन्ग हो जाता। तो साथ साथ हमें सीरीज के साथ साथ रॉन्ग सीरीज को भी दिमाग में रख के चलना है कि एग्जाम में अगर इसे घुमाकर आ जाए तो क्या करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारे पास 7th क्वेश्चन देखिए जरा, -3 है, बिल्कुल सही है, अगले में माइनस कितना आ रहा है, शाबाश, -8, क्योंकि 6 और 2 8। आगे देखते हैं कितने का गैप है, 15 का, 15 का। आगे कितने का गैप है, देखिए जरा कितने का गैप है, 15 के बाद कितने का गैप है, 24 का गैप है, 24। यहां ध्यान दीजिए, पहले 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर 9 का गैप है, अब 11 का, यानी 35 माइनस होने चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 4। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 का। कभी भी 1 आ जाए तो इस बात को ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में 1 आ जाए तो स्क्वायर क्यूब में चल सकता है, चल सकता है, कंपलसरी नहीं है, चल सकता है। तो देखते हैं 1 आया, अगला कितने का डिफरेंस है, आप खुद देखिए कितने का है, 27 का है हमारे पास, तो नेचुरल सी बात है, यानी 1 का क्यूब चल रहा है, 2 का क्यूब चल रहा है, तो आगे सॉरी 3 का क्यूब चल रहा है यहां पर, आगे 1 3। अगर हम इसमें देखें कितने का डिफरेंस है, -125, यानी 5 का क्यूब चल रहा है, 1 3 5। अगला क्या रहेगा, 7 का क्यूब होना चाहिए, माइनस कितना, 343। तो अगर हम इसमें से लेस करते हैं 343, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 103। समझ गए, क्लियर। अगला 9th क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये हमने जब सीरीज 1 पार्ट 1 किया था तो उसके अंदर किया था हमने अल्टरनेट सीरीज, कैसे, ये देखिए +13 हो रहा है, अगला +14 हो रहा है, अगला +15 हो रहा है। अगर हम इसी से आगे चलते हैं, इसी तरह से हम दूसरे वाली सीरीज को लेकर चलते हैं, यहां पर देखिए 97 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, देखिए 6 और 7 13, -13 हो रहा है। तो यहां पर हम माइनस अगर 14 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जरा सोच के बताइए, अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 84 माइनस 14 70 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखिए जरा क्या है हमारे पास, कितने का गैप है, 4 का गैप है, +4 हो रहा है, अगले ने +27 हो रहा है, क्योंकि 28 और 27 55, अगला कितने का गैप आ रहा है, 16 का गैप आ रहा है, फिर अगला कितने का गैप आ रहा है हमारे पास, सोच के बताइए कितने का गैप आ रहा है, 125 का, ठीक है। तो आगे कितने का गैप आएगा, देखिए अगर हम 4 को क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 का गैप आना चाहिए, 196 और 36 कितना हो गया, 232। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें रॉन्ग सीरीज में भी आते हैं, वो हम एक अलग से पार्ट करेंगे, और सीरीज कंप्लीशन में भी आते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा लेवल बनता जाएगा, हम उसको कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।